इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष जारी है। इसराइली सेना की तरफ से लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों पर बम बरसाए जा रहे हैं। बीच इसराइल ने हिजबुल्ला को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। इसराइली सेना की तरफ से दावा किया गया है कि हिजबुल्ला के ऐसे ठिकाने तक उसकी पहुंच हो गई है जहां 500 मिलियन डॉलर की नकदी और सोना छिपाकर रखा गया है। यह खुलासा इजरायली वायुसेना की ओर से हिजबुल्ला की वित्तीय संपत्तियों को निशाना बनाकर किए गए टारगेट अटैक के बाद किया गया है। IDF के अनुसार बंकर में करोड़ों डॉलर की नकदी और सोना था जिसका कथित तौर पर हिजबुल्ला उपयोग किया करता था। IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग के दौरान जानकारी दी और कहा, आज रात मैं उस साइट पर खुफिया जानकारी को सार्वजनिक करने जा रहा हूं जिस पर हमने हमला किया था, जहां हिजबुल्ला के पास हसन नसरल्ला के बंकर में लाखों डॉलर का सोना और नकदी है। बंकर सीधे बेरूत के मध्य में अल साहिल अस्पताल के नीचे स्थित है। हगारी ने अस्पताल के नीचे मौजूद बंकर का 3D से तैयार डिजाइन दिखाया। उन्होंने दावा किया है कि यह जगह हिजबुल्ला के फाइनेंस के लिए एक केंद्रीय भंडारण के रूप में काम करती है। हगारी के अनुसार IDF ने अभी तक उस बंकर को निशाना नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि हमारे अनुमान के अनुसार इस बंकर में कम से कम 500 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 4200 करोड़ रुपए का सोना और कैश जमा है। इस पैसे का इस्तेमाल लेबनान के रिकंस्ट्रक्शन में किया जा सकता है। I am going to declassify intelligence. मैं उस जगह की खुफिया जानकारी को सार्वजनिक करने जा रहा हूं, जहां हमने हमला नहीं किया है, जहां हिजबुल्ला के पास हसन नसरल्ला के बंकर में लाखों डॉलर का सोना और नकदी है। बंकर कहां स्थित है? बेरूत के मध्य में दहिया में अल साहिल अस्पताल के ठीक नीचे। यह अस्पताल है, दोनों तरफ से आप प्रवेश और निकास देख सकते हैं। ये भूमिगत बंकर के लिए भूमिगत से प्रवेश और निकास सुरंग है। प्रवेश अलमदी इमारत में स्थित है और निकास सलाम सेंटर बिल्डिंग में स्थित है। यह बंकर है, इसमें लंबे समय तक के रहने के लिए कमरे, बिस्तर और बुनियादी ढांचा है और भूमिगत से सीधे युद्ध करने की क्षमता है। हिजबुल्ला ने इस बंकर को सीधे इस अस्पताल के नीचे बनाया है। इस समय बंकर के अंदर करोड़ों डॉलर की नकदी और सोना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इजरायली एयरफोर्स इस परिसर पर नजर रख रही है, हालांकि हम अस्पताल पर हमला नहीं करेंगे। As you can see. However, we will not strike the hospital itself. बता दें कि बीते रविवार की रात इजरायल ने हवाई हमलों में हिजबुल्ला से जुड़े लगभग 30 ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें हिजबुल्ला से जुड़ी वित्तीय कंपनी अल कर्द अल हसन यानी कि AQAH की ओर से संचालित साइटें भी शामिल थी। अल कर्द अल हसन हालांकि एक चैरिटी के रूप में पंजीकृत है। इस पर इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की ओर से हिजबुल्ला की एक महत्वपूर्ण वित्तीय शाखा के रूप में सेवा करने, सैन्य उद्देश्यों के लिए नकदी और सोने के भंडार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने का आरोप लगाया है। बता दे चले कि अल कर्द अल हसन 1980 के दशक से लेबनान में काम कर रहा है, जो लेबनानी नागरिकों को सोने के भंडार के बदले लोन प्रदान करता है, जबकि आधिकारिक तौर पर एक चैरिटी के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों का तर्क है कि यह फर्म हिजबुल्ला के वित्तीय नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, जो समूह को नागरिक बैंकिंग की आड़ में धन शोधन और अपनी गतिविधियों को फंडेड करने में सक्षम बनाती है। इजरायल ने लेबनानी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हिजबुल्ला को आतंक के लिए और इजरायल पर हमला करने के लिए पैसे का उपयोग करने से रोकने का आह्वान किया। साथ ही चेतावनी दी है कि इजरायली वायुसेना परिसर की निगरानी कर रही है, यह कहते हुए कि इजरायली आतंकी संगठन हिजबुल्ला के साथ युद्ध कर रहा है, न कि लेबनानी लोगों के साथ। हगारी ने कहा कि IDF अस्पताल पर हमला नहीं करेगा। इससे पहले इजरायल ने उस बैंक पर हमला किया जिसका लिंक हिजबुल्ला से था।